शांति। आज की तारीख है 8/5/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम सभी बच्चे जानते हैं कि मीठे मीठे शिव बाबा है बागवान, और हम सभी जो भी निमित्त टीचर्स बहने हैं या जो भी निमित्त हम सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं, हम सभी हैं चैतन्य फुलवाड़ी के माली। और फिर हमारे पास आते हैं सभी कांटों से फूल बनने के लिए, और गार्डन में भी जब कोई फूल तोड़ा जाता है तो बड़े संभाल के साथ उसको तोड़ना होता है, परंतु जब गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो हमें और भी ज्यादा उसे संभाल के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि गुलाब के फूलों की रक्षा अर्थ कांटे भी लगे हुए होते हैं, परंतु अगर ध्यान देकर वह फूल नहीं तोड़ा तो कांटे लगने की पूरे पूरी संभावना होती है। तो आज बागवान अपने फूल बच्चों को देखने के लिए, अपने गार्डन को देखने के लिए आए हैं, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, और इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न है आज का, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। हम भी जब भक्त थे तो हमने भी सर्वव्यापी कहा था। उत्तर क्या है सुनते हैं बाबा के द्वारा, बाप बहुरूपी है, बहुरूप धारण करने वाला, जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा क्या है, बाबा कहते हैं तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती, ब्रह्मा बाप में आना और जाना ये करने में बाबा को देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक बात है लायक और समझदार बनने के लिए क्या करना है, पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए, सारी दुनिया जो नर्क समान बन पड़ी है, नर्क ही बन गई है, उसको स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, तो बाप के साथ सर्विस करनी है और खुदाई खिदमतगार बनना है। नंबर दो है कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ सत्य मर्यादाओं को पालन करना है, अर्थात जो शिव बाबा श्रीमत देते नियम कायदे मर्यादाएं हमें अपनी आदि सनातन देवी देवता धर्म की और ईश्वरीय कुल की बताते हैं वो हमें धारण करनी है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है आज का, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। जब देह अभिमान निकल जाता है, अन्य विकार निकलते जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर सत्यता आती जाती है। पवित्रता नहीं
तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। स्लोगन के रूप में इसे पक्का करें, सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? चलन और चेहरे पर दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः ही और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है आज का, बेहद की सेवा में बिजी रहो, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। बेहद की सेवा माना, एक है हद की सेवा, जो हम अपने इस देह से संबंधित जो भी व्यक्तियां हैं, मित्र संबंधी आदि भी उसमें आ जाते हैं, और जो भी हमें धन कमाना है, पदार्थ हमें अपने खाने पीने के हैं, या हमारे सुख शांति के जो भी साधन हैं, तो हम सेवा करते हैं, परंतु वो सब हद की। परंतु जब बेहद की सेवा करते हैं अर्थात आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान सर्व आत्माओं को जब देते हैं, तो ये पुरानी दुनिया है यह बात स्वतः ही स्वयं को भी समझ में आती है, तो हमारा वैराग्य स्वतः ही हमें इस बात के लिए वैरागी बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।